हेलो एवरीवन मैंने जैसे आपको प्रॉमिस किया था कि हम हर एक बुक का इंडिविजुअल ओवरव्यू करेंगे तो ये आपकी नेक्स्ट बुक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शनल पेपर वन का पार्ट बी ठीक है पार्ट बी में आपका एफएम और एफआई आता है तो ये पार्ट बी की एफएम की बुक का हम ओवरव्यू करेंगे ठीक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो हम सेम स्ट्रेटेजी के थ्रू ही चेक करेंगे पहले हम देखेंगे हमारा सिलेबस और इंडेक्स को चेक करेंगे कि क्या ये फुल कवरेज दे रहा है या नहीं तो इंडेक्स में हमारा सिलेबस में सबसे पहले है फाइनेंस का फंक्शन यानी उसका नेचर स्कोप ऑब्जेक्टिव एंड रिस्क एंड रिटर्न रिलेशनशिप तो हम इंडेक्स में आते हैं इंडेक्स में हम देखते हैं कि फाइनेंस का फंक्शन नेचर स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव इन्होंने सेपरेटली कवर अप किए है रिस्क एंड रिटर्न रिलेशनशिप को इन्होंने सेपरेटली कवर अप किए है सो वेरी गुड टूल ऑफ़ फाइनेंशियल एनालिसिस में आपका रेशियो फंड फ्लो एंड कैश फ्लो है तो हम देख सकते हैं इंडेक्स में रेशियो एनालिसिस तो है आपका फंड फ्लो भी है लेकिन कैश फ्लो के लिए इन्होंने नोट दिया हुआ है कि उसे वो अकाउंट्स के साथ कवर अप कराएंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ ठीक है नेक्स्ट है आपका कैपिटल बजटिंग तो देख लेते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजनस ठीक है उसके बाद कॉस्ट ऑफ कैपिटल ठीक है तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी आपका सिलेबस में है और आपके टॉपिक में भी कवरेज है फाइनेंसिंग डिफ डिसीजनस में आपका थ्योरीज़ हैं कैपिटल स्ट्रक्चर की नेट इनकम अप्रोच नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच एमएम अप्रोच ठीक है सो so, हम देख सकते हैं हमारा डिसीजन ऑफ ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर ये आपका पॉइंट नंबर एट गिवन है ऑलरेडी नेक्स्ट है आपका डिविडेंड डिसीजन एंड वैल्यूएशन ऑफ फॉर्म तो देख लेते हैं हम एक बार येस डिविडेंड डिसीजन एंड वैल्यूएशन ऑफ फॉर्म आपका कवर है नेक्स्ट है आपका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट तो ये आपका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है लगभग सौ पेज का वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है नेक्स्ट है कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग तो कॉरपोरेट रीस्ट्रक्चरिंग भी आपका गिवन है तो आप देख सकते हैं सिलेबस से अगर आप क्रॉस टैली करें ठीक है तो आप देख सकते हैं सारी चीज़ें जो हैं आपके सिलेबस से दी हुई है, से sorry, हैं सिलेबस से सारे पॉइंटर्स आपके सॉरी कवर अप हैं ठीक है तो चलिए हम एक चैप्टर उठा लेते हैं ठीक है कौन से चैप्टर है ये ठीक है तो ये एक चैप्टर खुल गया हमारे सामने रेशियो का है ठीक है तो रेशियो एनालिसिस का आप देख सकते हैं हम स्टार्टिंग से देख लेते हैं इस चैप्टर में कैसे दिया हुआ है क्या है तो रेशियो एनालिसिस इन्होंने दिया हुआ है रेशियो एनालिसिस में रेशियो की मीनिंग है एनालिसिस की मीनिंग है क्या स्टेप्स एक, एक तरीके से ट्रिक हो गई आपको जो ऑप्ट करनी चाहिए यूजेस क्या हो सकते हैं कितना क्लियर है आप देख सकते हो एंड आपके अब हेड एंड फुटर में प्रॉपर स्पेसेस है अगर आप रिविजन करना चाहो या कोई पॉइंट आंसर राइटिंग के टाइम में लिखना चाहो तो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन है डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है रेशियोज़ की ठीक है मिक्स रेशियोज़ की क्लासिफिकेशन है फिर फंक्शनल क्लासिफिकेशन इन्होंने सेपरेटली समझाया है ठीक है एक्टिविटी रेशियोज एंड एवरी सारे टाइप ऑफ रेशियोज़ को कवर अप किया गया थियोरेटिकली पहले ठीक है अब फिर डिफरेंट रेशियोज़ को अप किया है बुलेट में अप किया है कि कोई पॉइंट आपसे छूटे नहीं आप देख सकते हैं और साथ में नुमारकल भी दे दिया गया है ताकि आप कॉन्सेप्ट को समझ करके जो है तुरंत अप कर सकें ठीक है फिर उसके बाद हमने देखा कैच रेशियो को समझाया उसके साथ नुमारकल दिया डिफ़ेंसिव इंटरवल है आपके सामने स्टॉक टर्न है इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड ठीक है इनसे रिलेटेड नुमारकल करा दिए इन्होंने डेटर टर्नओवर आपका है एवरेज कलेक्शन पीरियड पे काफ़ी लंबी चौड़ी थ्योरी दी हुई है और फिर नुमारिकल भी है साथ में ठीक है क्रेडिट टर्न है ठीक है उसके बाद एवरेज पेमेंट पीरियड है उस पर भी नुमारिकल दे दिया है वर्किंग कैपिटल टर्न रेशियो सेपरेटली कराया है आपका ठीक है डेप्ट इक्विटी रेशियो भी है आपका तो आप देख सकते हैं मैं अब इंडिविजुअली बहुत सारे रेशियोज़ होते हैं ठीक है ग्रॉस प्रॉफिट एंड ऑल इंटरेस्ट कवरेज ठीक है ये मैं आपको जस्ट ओवरव्यू एक बार लेके जा रही हूँ ताकि आप अपनी डिसीजन मेकिंग कॉन्फिडेंटली कर सकें ठीक है तो थ्योरी है और नीचे नुमारिकल आपका है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड नेट और ग्रॉस दोनों कॉन्सेप्ट समझाया है आपका ठीक है एसेट अप्रोच एंड लाइबिलिटी अप्रोच ये भी एक्सप्लेन किया गया है डिटेल में इंटरप्रिटेशन को सेपरेटली हाईलाइट किया है कई बार आपके एग्जाम में इंटरप्रिटेशन पूछ लिए जाते हैं ठीक है डिविडेंड एंडल रेशियो हो गया आपका तो ये मैं आपको एक बार क्यू रेशियो हो गया इक्विटी मल्टीप्लायर रेशियो हो गया आपका ठीक है और आपका डू पॉइंट चार्ट भी एक्सप्लेन किया गया है काफ़ी ब्रॉड वे में एंड देन फुल फ्लेज नुमारिकल्स देखिए हमने टॉपिक वाइज इंडिविजुअल नुमरिकल्स तो देखी फिर फुल फ्लेज कम्बाइंड नुमारिकल्स भी हमने देखे ठीक है तो आप ये देख सकते हैं अब ये फंड फ्लो आ गया फंड फ्लो पे भी इन्होंने जो आपका स्टार्ट हुआ है अच्छी खासी थ्योरी दी हुई है पहले रूल्स बता दिए गए हैं ट्रिक्स और स्ट्रैटेजीज शेयर कर दी अगर आप ढंग से पढ़ें तो ये बुक सफिशेंट है आपको बेस से आप देख सकते हैं आपको बेस से कनेक्ट कर रही है ये बुक फॉर्मेट को सेपरेटली एक्सप्लेन कर दिया गया है आप देख सकते हैं फंड फ्रॉम ऑपरेशन एंड ऑल सारे फॉर्मेट्स को ठीक है उसके बाद नुमारिकल्स हैं आपके पास ये आप देख सकते हैं सॉल्यूशन के साथ आपके पास नुमारिकल हैं ठीक है ठीके? तो आप देख सकते हैं ये आ, सारी कवरेज है आपकी ठीक है तो आप देख सकते हैं आप कि आपका जो सिलेबस है वो कम्प्लीटली कवर्ड है बुक होलिस्टिकली आपके यू के हिसाब से ही है कॉमर्स ऑप्शनल उसके बाद आपको एक्स्ट्रा सपोर्ट इस बुक के साथ अगर आप एलिजिबल प्रोग्राम्स इनके ऑप्ट करें तो आपको एन का कवरेज है प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस है न्यूज़ का कवरेज है और भी कई सारे कवरेजेस हैं तो अब आप मेरे कहने पे नहीं किसी और के कहने पे नहीं अपनी सेल्फ़ स्टैंड एनालिसिस के बाद इस पर्टिकुलर एनालिसिस के बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये बुक आपके लिए कि नहीं सो आई होप आई हेल्प यू टू आई इवन आई ट्राई आई आई जस्ट माई इट नॉट पॉसिबल टू टेक एवरी पॉइंट इन हिंदी एंड इंग्लिश बट आई ट्राई टू हेल्प यू टू अंडरस्टैंड अबाउट एंड गिव यू एन ओवर व्यू रिगार्डिंग अ बुक एंड वट आई कैन सी इज दे कवर्ड एवरी पॉइंट ऑफ द सिलेबस द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट एरिया एंड द सेकेंड इज एवरी लाइक पॉइंट हैज़ बिन डिस्कस इन डिटेल फ्रॉम बेसिक टिल द योर एग्जामिनेशन लेवल सो इफ यू कवर दिस बुक एंड फॉलो दिस स्ट्रैटी एंड दिस विल बी ईजी टास्क टू गेट इन टू इन योर यू पी एस सी प्रपेशन ठीक है तो आई होप आपको इस एनालिसिस से सपोर्ट मिला हो ठीक है तो मैं आपको और भी बुक्स के थ्रू कनेक्ट करूँगी विद टाइम टू टाइम ठीक है और आप अब ताकि अपनी डिसीजन मेकिंग आप खुद कर सकें क्योंकि आप बनने जा रहे हैं ऑफिसर जिसको हर समय अपनी डिसीजन मेकिंग खुद करनी तो मैंने बुक की जर्नी आपको दिखा दी अब आप डिसाइड कर सकते हैं सो स्टे कनेक्टेड मैं आपको और भी मटेरियल के साथ कनेक्ट करूँगी ब्रीफली